अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेफ अजवर और आप देख रहे हैं YouTube चैनल। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन वेजिटेबल स्प्रिंग रोल की रेसिपी लेकर आया हूं। उसके लिए मैं एक गोभी, आप देख लिया आधा, आपने गोभी काटना है। कैसे आपने गोभी काटना है, जूनियन कटी में। ये गोभी है दोस्तों, ये आपने जूलियन कटी में डालना है। गाजर, ये डालेंगे दोस्तों प्याज, पुदीना, जूलियन कटी शिमला मिर्च, सॉल्ट, चिकन पाउडर 2 टीस्पून, फ्रेश चिली 2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 2 टीस्पून, लोकल चिली सॉस 2 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून। यह दोस्तों मामा सिट्रस सॉस है 2 टेबलस्पून। अब दोस्तों हम डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, 2 टेबलस्पून ऑयल है, 2 टेबलस्पून लहसुन है चॉप। लहसुन को आपने डाल के हल्का सा आपने इसमें इसको करना है ब्राउन, लहसुन को आपने ब्राउन करना है क्योंकि मसाला हमने सारा सब्जी के अंदर डाल दिया है। लहसुन को आपने ब्राउन करके आपने सब्जी को ऐड करना है। लहसुन ज़्यादा ब्राउन नहीं करने हैं, हल्का सा आपने ब्राउन करके अब हम इसमें डालेंगे, ऐड करेंगे ये सारा सब्जी। वो भी आपने ज़्यादा रखना है, बाकी चीज़ में आपने जितना मैंने आपको रेसिपी में दिखाया उतना रखना है, ठीक है दोस्तों। और आपने ज़्यादा सब्जी बनी तो मैंने हल्का सा आपने पका के छानी में निकाल लेना है, क्योंकि छानी में निकालने से इसका पानी जो है क्योंकि होता जाएगा। उसके बाद आपने इसको बॉल कर देना है, ठीक है। उसको आप हल्का सा आपने पकाना है, ज़्यादा हरी पकाना है, वेजिटेबल स्प्रिंग रोल और एक नंबर रेसिपी है, लाजमी आप ट्राई करें। आप दोस्तों ये देखें, हो गया है सब्जी, नीचे बैठ गए हैं, बस इतना सा आपने इसको पकाना है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए छानी में डाल के रख लेंगे ताकि सब्जी जो पानी छोड़ा है वो उतर जाए और सूखा हो जाए सब्जी, ठीक है दोस्तों। ये हमने छानी में उतार दिया। ये आ गए दोस्तों रोल पट्टी, ये आप बाजार से मिल जाएंगे। इसको आपने इस तरह से खोलना है, इस तरह से पहले इसको अलग करना है एक एक करके। ये देखिए इस तरह आपने अलग करना है, मुकम्मल सारे को आपने इस तरह अलग अलग करके। ये हमने बोल में अंडे तोड़े हैं दोस्तों। ये दोस्तों हम इसको अंडे को हल्का सा कैंची लगाएंगे। सब्जी का पानी उतर गया दोस्तों, ये आप देख सकते हैं सूखा हो गया। पट्टी को दोस्तों आपने इस तरह रखना है, जिस तरह डायमंड स्टाइल में इस तरह आपने रखना है, और आपने हल्का सा सब्जी लाना है इसमें से, जितना आपने रोल में डालना है। बहुत ज़्यादा सब्जी नहीं लेना है, हल्का लेना है, और आपने इस तरह करके ये आप देख सकते हैं ये दोनों साइडें आपने फोल्ड कर देने हैं, ठीक है दोस्तों। और हाथ इधर रख के इस तरह से आपने फोल्ड करना है, और अंडा लेना है, थोड़ा अंडा इधर लगा के ये आपने फोल्ड कर देना है। ये आप देख सकते हैं ये रोल बिल्कुल रेडी है, फ्राई होने के लिए तैयार है। एक और मैं पीस आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये आप देख ले कितनी मिकदार में मैं सब्ज़ी ले रहा हूँ। ये सब्ज़ी मैंने लिया है,
आपने यहाँ फोल्ड कर देना है और ये सैडे आपने यहाँ पे रख देना है और इसको आराम से आपने इस तरह आपने इसको थोड़ा दबा के फोल्ड करें ताकि आपका रोल बड़ा क्रंची और फुल भरा हुआ जो ना जब आप फ्राई करेंगे निकलेंगे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये दोस्तों आपने इस तरह से इसको इस तरह आपने तेल पे लगाना है और ये आपने सब्जी डाल दिया ऊपर से, ये आराम से आपने दोनों साइडें इधर फोल्ड करने हैं बराबर करके, फिर आपने इसको इस तरह से ये देख फोल्ड कर देना है और ऊपर से हल्का सा आटा लगा के चिपका देना है। ठीक है दोस्तों, ये रेडी हो गई। ये दोस्तों हमारा रोल बिल्कुल रेडी हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम करेंगे इसको फ्राई। ये देखें दोस्तों, तेल हमारा हो गया है गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है और बिल्कुल ठंडा भी ना हो, थोड़ा सा गर्म हो तेल, क्योंकि ज़्यादा ठंडे तेल में डालने से ये जो ना सूखी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तेल हो गया गर्म, हम इसको आप डालेंगे फ्राई के लिए। इतनी से आपने टेम्परेचर पर आपने इसको फ्राई कर देना है। ये आप देख सकते हैं, ये बेहतरीन रोल रेडी हो गए हैं और इसको आपने इस तरह हिलाते रहना है ताकि ये सारे साइडों से ये ब्राउन हो जाए। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपने हिलाते रहना है।